हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजहर और आप देख रहे हैं हसनैन बर्स अवेरी। हाजिर हूं दोस्तों एक और वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोकाटल के लिए ब्रीडिंग बॉक्स साइज क्या होना चाहिए। दोस्तों कल एक भाई का कमेंट आया कि कोकाटल की ब्रीडिंग बॉक्स साइज कितनी होनी चाहिए, तो सोचा इसी के ऊपर हमने वीडियो बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर से दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेन मुद्दे पर आने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये मेरी जो कोकाटल की अल्बिनो और वाइट फेस की जो पेयर है दोस्तों, ये मैं विथ बॉक्स लेकर आया था, साथ में ये बॉक्स आया था। ठीक है, अभी मेरे पास जो बॉक्स लगे हुए हैं, एक ये बॉक्स है और एक ये वाला बॉक्स है, तो मैं आपको दोनों की खासियत बताता हूँ। ये जो बॉक्स है ये मैंने बनवाया हुआ है और ये बॉक्स तैयार हर जगह पर मिलता है कोकाटल के नाम से ही, कि कोकाटल के लिए ब्रीडिंग बॉक्स होता है। ठीक है, तो ये जब पैर में लेकर आया बॉक्स के साथ, और मैंने भी यहाँ पर इस बॉक्स को ही दिया था इसको, तो 10 दिन हो गए कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि ये वाला बॉक्स मैं इसको लगा के दूँ। तो ये जब वाला बॉक्स मैंने लगा के दिया तो दोस्तों एक दिन के अंदर इसने बॉक्स पकड़ लिया और 10 दिन के अंदर इसने एग ले कर दिया। 10वें के 11वें दिन इसने एग ले कर दिया। और मछली की बात तो ये दोस्तों कि ये जो भाई के पास पैर थी उसके वहाँ पर 2 बार इसने क्रॉसिंग कर लिया था, लेकिन ना बॉक्स पकड़ा था और ना एग ले किए थे। लेकिन अपने पास भी आने के बाद दोस्तों मैंने जब देखा कि ये बॉक्स के अंदर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैंने इसका बॉक्स चेंज कर दिया। बॉक्स चेंज करते ही दोस्तों मुझे रिजल्ट मिल गया, तो ये बॉक्स मैंने हटा दिया। और इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि ये जो बॉक्स है ये अल्बिनो ने नहीं पकड़ा तो कोई दूसरी कोकाटल भी इसको नहीं पकड़ेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने खुद अपनी आंखों से इसी जो बॉक्स है, इसी बॉक्स के अंदर दोस्तों 2-3 पैरों को मैंने ब्रीड करते हुए देखा है और 4-4 बच्चे पालते हुए भी देखा है। तो ज़्यादातर दोस्तों जो बड़ी साइज़ दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसकी जो साइज़ है, मैं आपको बता दूँ, ये पूरी एक फुट भी नहीं है पूरी, है ये 12 इंच से भी कम है, 11.5 इंच है। और ये जो हाइट है इसकी हाइट दोस्तों 9 इंच है, और इनको जो जगह मिलती है अंदर वो सिर्फ 8 इंच की मिलती है। और ऐसे इसकी जो डीप है ये भी 8 इंच है, यानी कि इनको जो जगह मिलती है टोटल वो 8 इंच की मिलती है। और ऐसे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक हम मापेंगे तो आपको 9 इंच मिलेगा। और मैं आपकी सहूलत के लिए तो फ़ोटो मैंने लिए थे, इनके जो फ़ोटो लिए थे मैंने मेजर टेप रख कर, वो तस्वीरें भी मैं आपको साथ में लगा दूंगा, तो आपको सही से पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो बॉक्स की साइज़ है ये टोटल 13 इंच है, 1 फुट के भी ऊपर है। ये जो लंबाई कहते हैं, लंबाई 13 इंच है, और ये जो हाइट है, हाइट 10 इंच है, और ये जो डीप है, डीप भी 10 इंच है, यानी कि हमको अंदर 9 इंच मिल जाता है। और इसकी जो लंबाई है वो 13 इंच है, यानी कि 1 फुट के भी ऊपर। ये जो बॉक्स है इसको आइडल साइज आप समझ सकते हो, 12x10x10 इंच। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हुए हैं, तो बस यही आपके साथ शेयर करना था। एक ये बॉक्स है और ये एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स को मैंने दोस्तों लव बर्ड्स के लिए रख दिया है। लव बर्ड्स बहुत ही अच्छे ब्रीड कर रहे हैं इसके अंदर, तो कोकाटल के लिए इसको मैंने नहीं रखा। कोकाटल के लिए ये साइज़ के बॉक्स मैंने मंगवाए लिए, ये साइज़ बेस्ट है। और जो छोटे कनूर होते हैं, येलो साइडेड है, ग्रीन कनूर है, पाइनएप्पल है, वो भी इसके अंदर आसानी से ब्रीड कर जाते हैं, तो हम कोकाटल और कनूर दोनों को इसके अंदर ब्रीड करा सकते हैं। यही बॉक्स, ऐसा ही बॉक्स, ये जो साइज़ है कम्प्लीट यही साइज़ का बॉक्स मेरे दोस्त ने लगाया हुआ था, और उसकी जो कोकाटल की पैर है उसने क्रॉसिंग भी कर ली थी, और बट बॉक्स नहीं पकड़ रही थी और एक भी ले नहीं कर रही थी। तो उसने फिर मेरे दोस्त के पास थी सेम यही बॉक्स, यही बॉक्स हमने साथ में मंगाया था, यही बॉक्स उसने जाकर लगाया। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, उसने सुबह में बॉक्स लगाया और शाम को उसने एक ले कर दिया, उसकी झोल भरी हुई थी, लेकिन वो अगर वो बॉक्स भी ना लगाता तो वो शायद से बारी एक ले कर देती, लेकिन उसने सही टाइम के ऊपर उसने बॉक्स चेंज कर दिया, तो उसने बॉक्स भी पकड़ लिया और उसने उसके अंदर एक ले भी कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल ही गया होगा कि ब्रीडिंग बॉक्स साइज़ क्या होनी चाहिए। 12x10x10 इंच बेस्ट है कोकाटल के लिए, बेस्ट है 12x10x10 इंच। ठीक है, यही साइज़ देनी चाहिए। अब जितनी बड़ी दोगे ना इतना अच्छा रहेगा।
लव बर्ड्स पकड़ लो, बजरी पकड़ लो, या कोई भी चीज़, जितने भी एग्जॉटिक बर्ड्स है, आप उनके साइज़ देख लीजिए कि कौन सी साइज़ के अंदर उनको देना चाहिए, बॉक्स या मटकी है, आप उससे थोड़ी बड़ी दीजिए तो उनको बच्चे पालने में भी आसानी होगी और वो अच्छे ज़्यादा बच्चे पालेंगे, ठीक है। क्योंकि छोटी सी आप मटकी दे दोगे बजरी को तो आप खुद देखोगे वो सात आठ आठ कई बार तो 9 अंडे देते हैं और बच्चे भी निकालते इतने, तो वो सही से फिर अंदर बैठ भी नहीं सकती, फीमेल बैठेगी बच्चे बैठेंगे तो फिर उसमें सेट नहीं होता, तो उसमें कई बच्चे तो मर जाते हैं, फिर उसके बाद उनकी एक की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। तो आप ऐसा कीजिए कि अगर बजरी की, अगर आपके पास पैर है और आप बजरी की मटकी लगाना चाहते हो तो फिर आप लव बर्ड्स की मटकी लगाइए बजरी को, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और आप लव बर्ड्स को जो मटकी दे रहे हो वो आप कोकाटेल की साइज़ की मटकी लगा दीजिए तो बहुत बेहतर रहेगा, थोड़ा सी खर्चा बढ़ जाता है लेकिन दोस्तों आपको जो रिजल्ट मिलेगा आप याद रखोगे। तो थोड़ी सी साइज़ बड़ी ले लीजिए तो उसमें बहुत ही फ़ायदा रहेगा हमको भी और उसको भी। ये केज के अंदर लव बर्ड्स की पैर रखी हुई है, वाइल्ड मास की फीमेल है और वॉलेट मास का मेल है, और इसको आप देख सकते हो कि मैंने मटकी कौन सी दी है। इसके साइज़ देखिए दोस्तों मटकी की, जो हम कोकाटेल को देते हैं, मैं कोकाटेल के लिए लाया था मैं मटकी, लेकिन उसको मैंने लव बर्ड्स को दे दी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेहतरीन ब्रीड करेगी दोस्तों, जितने बच्चे पाले, जितने अंडे निकालेगी इतने बच्चे पालेगी, शायद से इसमें कोई बच्चा मरेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखें और अपने बर्ड्स का भी ख्याल रखें।